नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राम प्रसाद और आज बात करने वाला हूँ सनी लियोन के बारे में। सनी लियोन के बारे में 33 अनजानी बातें। सनी लियोन पॉर्न इंडस्ट्री का तो पॉपुलर नाम है ही, लेकिन बॉलीवुड में भी उन्होंने कम समय में जगह बना ली है। उन्होंने वर्ष 2012 में पॉर्न इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। लियोन के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो कि लोग नहीं जानते, तो दोस्तों आइए जानते हैं आज सनी लियोन के बारे में 33 ऐसी बातें जिनसे अब तक सब अनजान हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे ही प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही मिलते रहें। और चलिए जानते हैं सनी लियोन के बारे में ऐसी बातें जिनसे अब तक सब अनजान हैं। एडल्ट इंडस्ट्री में आने से पहले सनी लियोन नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वह 19 साल की उम्र में एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ गई थी। सनी लियोन का असली नाम करणजीत कौर बहरा है। साल 2005 में निर्देशक मोहित सूरी ने उन्हें अपनी फिल्म कलयुग के लिए एक महत्वपूर्ण किरदार ऑफर किया था, लेकिन सनी ने इसके लिए $1 मिलियन की फीस की मांग की थी, जो कि मोहित पुरी को बहुत ज़्यादा लगी और उन्होंने यह रोल दीपक सौल को दे दिया। यह फिल्म पोर्नोग्राफी फिल्म इंडस्ट्री पर तैयार की गई थी। सनी ने जर्मन बेकरी में अपनी पहली नौकरी की थी, तब उनकी उम्र महज 15 साल थी। दिसंबर 2005 में सनी लियोन के नाम से सनी फिल्म रिलीज हुई थी। प्लेबॉय एंटरप्राइज के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग मैट एरिकसन के साथ सनी के रिश्ते थे। साल 2010 में पुरुषों की मैगजीन मैक्सिम की 12वीं टॉप फीमेल पोर्नस्टार की सूची में सनी लियोन का नाम शामिल था। फास्ट फूड और कीवी फूड की सनी दीवानी है, लेकिन सनी लियोन को पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सनी लियोन पॉर्न फिल्मों में ना सिर्फ काम करती थी बल्कि उनका निर्देशन भी किया करती थी। डेनियल बेबर से सनी के 3 साल अफेयर के बाद शादी की थी। दोनों एक कॉमन दोस्त के जरिए मिले थे। सनी लियोन को आमिर खान बहुत पसंद हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आमिर उन्हें बचपन से पसंद हैं। फिल्म बाड़ाकरी से सनी तमिल फिल्मों में एंट्री करने जा रही हैं। इस फिल्म में सनी का एक आइटम डांस भी है। सनी की दूसरी पॉर्न फिल्म वर्चुअल विविड गर्ल सनी लियोन को ABM अवार्ड से भी नवाजा गया था। इस अवार्ड को पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री का ऑस्कर भी कहा जाता है। सनी लियोन का अपना एक स्टूडियो भी है, इसका नाम सनलस्ट पिक्चर्स है। बिजनेस के लिए शुरू किए गए इस स्टूडियो में उनके पार्टनर उनके पति डेनियल हैं। यह कंपनी साल 2008 में शुरू की गई थी। जब सनी ने पॉर्न फिल्मों में अपना काम करने का फैसला किया, तब उन्होंने यह भी तय किया था कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही परफॉर्म करेंगी। साल 2004 में आई फिल्म द गर्ल नेक्स्ट डोर में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दिया था। सनी ने कैथलिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की क्योंकि उनके अभिभावकों को लगता था कि वह सिख हैं और पब्लिक स्कूल में जाने से उन्हें खतरा है। साल 2005 में सनी ने पहली बार मेन स्ट्रीम में कदम रखा। वह MTV अवार्ड के लिए रेड कॉर्पोरेट रिपोर्टर बनी थी। सनी लियोन को कुत्तों से बेहद प्यार है। सनी का पसंदीदा पेय सोवेरिन ब्लैक है। सनी लियोन ने जिस्म 2 में रोने के सीन देने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग करना सीखा था। सनी लियोन को कीड़े मकोड़ों का फोबिया है। सनी ने एक वेबसाइट को बताया कि वह अपनी सभी गर्भवती सहेलियों को अपने हाथ से कंबल बनाकर भेंट करती हैं। बॉलीवुड में काम करने से पहले सनी 4 बार भारत घूम चुकी थी। सनी लियोन ने पहली बार 11 साल की उम्र में किस किया था। एडल्ट इंडस्ट्री छोड़कर बॉलीवुड से जुड़ने से पहले भारत आकर बसने के लिए सनी लियोन थोड़ा डनी हुई थी। 16 साल की उम्र में पहली बार एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ सेक्स किया था और 18 साल की उम्र में यह जाना कि यह वाई सेक्सुअल है। सनी लियोन को पराठे खाना बहुत पसंद है। इसके साथ ही इटालियन खाने की भी वह दीवानी है। जून 2006 में लियोन को अमेरिका की नागरिकता मिली थी, लेकिन उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी नहीं छोड़ी। लियोन डेनियल के साथ पहली डेट में जानबूझकर देर से पहुंची थी क्योंकि वह डेनियल से बहुत इम्प्रेस नहीं थी, लेकिन डेनियल ने उनके होटल के कमरे में 24 गुलाब के फूल भेजे, जिसके बाद सनी ने डेनियल से 2 साल बाद शादी कर ली थी। सनी लियोन का पसंदीदा हॉलीडे डेस्टिनेशन हवाई है। सनी ने 52 एडल्ट फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर काम किया है और 51 एडल्ट फिल्मों का निर्देशन भी किया है। तो दोस्तों ये थी सनी लियोन के बारे में 33 अनजानी बातें। आज के लिए इतना ही।
मुलाकात जल्द होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे ही प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।